एंड रिलीज में काफी कम दिन बचे हुए हैं, तो अब यहाँ से किस तरीके से अकीरा के प्रमोशन होने वाले हैं और क्या जगह हैं? जब बस 5 दिन बचे हैं, मैं जोर शोर से लगी हुई हूँ प्रमोशंस में, ट्रैवलिंग चल रही है. अब कल हम दिल्ली जाएंगे, मैं दिल्ली जाऊँगी टीम के साथ, वापस आएंगे, स्क्रीनिंग्स होंगी, आप सब फाइनली फिल्म देख पाएंगे एंड इन्जॉय कर पाएंगे. सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड. ये लास्ट डेज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होते हैं. आई एम फीलिंग इट राइट नाउ एज वी कम क्लोजर. सोनाक्षी, क्या आपको लगता है गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए, सिलेबस में जूडो या कुछ भी ऐसी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का चीज़ें इंप्लीमेंट करनी चाहिए? जी, इनफैक्ट मैं ये सालों से कहती आ रही हूँ कि आई फील सेल्फ डिफेंस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ सब्जेक्ट इन स्कूल्स, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके लड़कियों को, बच्चों को सीखना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में हम कुछ भी नहीं कह सकते क्या हो सकता है, कब हो सकता है, किसके साथ हो सकता है. आई फील यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड. और मैं ये बहुत टाइम से कहते आ रही हूँ कि इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड. जैसे हमारे स्कूल में तो योगा होता था, तो योगा के साथ साथ हम सेल्फ डिफेंस भी एक सब्जेक्ट यू नो इंट्रोड्यूस कर सकते थे. And I feel करना चाहिए, because that is the need of the hour today. Yes. सुनक्षी, मुझे आपसे पूछना था कि आप खुद को confidence रखने के लिए सबसे ज़्यादा क्या करती हैं? खुद को confident रखने के लिए वो मेरे मॉम डैड ने मुझे दिया है कॉन्फिडेंस. आई फील इट्स आई एम जेनेटिकली कॉन्फिडेंट एंड ऑनेस्टली ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिसके लिए मुझे कॉन्फिडेंट ना होना चाहिए. मैं अपने काम को अच्छे से कर पाती हूँ, खुश रहती हूँ. आई हैव अ वंडरफुल सपोर्ट सिस्टम एट होम, फैमिली, फ्रेंड्स, ऑल ऑफ दैट. सो आई फील दैट ऑटोमेटिकली मेक्स मी कॉन्फिडेंट. ओके, दूसरा सवाल मेरा ये है, कई कई जो लड़कियाँ हैं हमारे देश की, वो अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं फील कर पाती क्योंकि उनको ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता. मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगी कि वो खुद को कॉन्फिडेंस फील करें? आई थिंक ये भी एक चीज़ है जो अपने आप को, अगर आप कुछ भी ट्रेनिंग ले सेल्फ डिफेंस में या कोई भी मार्शल आर्ट्स में, आई फील आप अपने आप को इतना मजबूत ना सिर्फ फिजिकली बट मेंटली भी बना सकते हैं. एंड दैट रियली डज अफेक्ट एवरीबडीज कॉन्फिडेंस, इट इंक्रीजेज पीपल्स कॉन्फिडेंस. सो आई फील इफ दे टेक अप समथिंग और उसे मन से करें, लगन से करें, आई फील आगे जाकर वो खुद ब खुद देखने लगेंगे कि वो कितने कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं. एंड आई फील दैट इज वन वे टू इंश्योर योर कॉन्फिडेंस. उसके अलावा आपसे ये भी आपका एक रिएक्शन जानना चाहूँगा, देश की बेटियाँ इन दोनों बहुत कमाल कर रही है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो आप खुद भी एक एग्जांपल है, तो इन चीज़ों, इस बदलाव को लेकर आपका क्या ख्याल है, क्या ओपिनियन है? मैं बहुत खुश हूँ और इनफैक्ट जो मीडिया की वजह से इनके अचीवमेंट्स हाईलाइट हो रहे हैं और लोगों तक पहुँच रहे हैं, आई फील ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो रही है. एंड यू नो औरतों ने दिखा दिया है कि वो किसी से कम नहीं है, या तो वो आउटर स्पेस में जाना हो, या मार्शल आर्ट्स करना हो, ब्लैक बेल्ट होना हो, या अकीरा जैसी फिल्म अपने कंधों पर उठाना हो. आई फील ऐसा कोई काम नहीं है जो औरतें नहीं कर सकती. एंड आई एम रियली हैप्पी कि आज के ज़माने में मोर वुमेन आर स्टेपिंग फॉरवर्ड एंड डूइंग ग्रेट इन द रिस्पेक्टिव फील्ड्स ऑफ वर्क. एक्चुअली खेल की बात हो रही है तो MS धोनी फिल्म आ रही है, उसको लेकर क्या अपेक्षाएं? MS धोनी के ऊपर फिल्म आ रही है, उसको लेकर आपकी क्या अपेक्षाएं? बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है. आई थिंक उनकी एक ऐसी कहानी है जो हर कोई जानना चाहता है और हर किसी को जानना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म. हेलो, थैंक यू. आई थिंक द वन फिल्म दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इज अकीरा, 2nd September. और जितना एक्साइटेड आप हैं, आई एम श्योर सारे देश की लड़कियां और लड़की दे आर मोर एक्साइटेड देन दिस. सो थैंक यू मेंबर्स ऑफ द मीडिया. और जाने से पहले सोनाक्षी, कैन वी गेट दीज 3 वीमेन ऑन स्टेज फॉर अ फोटो अपॉर्चुनिटी प्लीज? आइए.